दोस्तों आपका एग्रीकल्चर एक्स वाई जेड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस ग्रो वीक में आपको उगा करके दिखाऊंगा कि कॉलीफ्लावर के पौधे कैसे उगाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मिट्टी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि गल जाते हैं गमले में लगाने से। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसमें आप 20% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला करके आप इसका कंपोस्ट बना ले, और 10% बालू और 20% कोकोपीट और बाकी के बचे हुए में बोन मील और गार्डन सोयल डाल दें। दोस्तों हमारे चैनल में ऐसे दर्शक हैं जो 95% जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो के आगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी वैरायटी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है गमले में उगाने के लिए। दोस्तों ये पान का 3003 वेरिएंट वाला है, जो कि मेरे खुद के नर्सरी से लाया हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद का नर्सरी भी बनाता हूँ। तो दोस्तों इसमें आप जैसे कि मैंने कहा कि इसका सॉयल बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए, और ये 9 इंच का दोस्तों ग्रो बैग है, और ग्रो बैग में उगाना बहुत ही आसान है। और लगाने के बाद आप इसमें पानी डाल दें, और दोस्तों पानी भी अगर आप बारिश का पानी कहीं स्टोर करके रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें पीएच मान जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है नॉर्मल पानी के मुकाबले, क्योंकि इसमें खाद भी मैं बनाता हूँ। तो बस दोस्तों इसमें ऐसा ही करना है। अब इतना सारा जो मैंने जगह छोड़ दिया है, ये इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि दोस्तों इसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी में ऐसे टाइम आती है, यानी कि इसका जब 8 दिन हो जाता है और फिर 1 महीना बाद जब हो जाती है तो दोस्तों इसमें मिट्टी चढ़ाना होता है, इसलिए मैंने इतना सारा जगह छोड़ दिया है। कम से कम ये 4-5 उंगली के आसपास होगा। ये दोस्तों 8 दिन का रिजल्ट है। 8 दिन के बाद इसमें हल्का सा निराई गुड़ाई कर दें, और निराई गुड़ाई करने के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो उसमें NPK के कुछ दाने या फिर यूरिया और DAP के कुछ दाने, अगर आप ऑर्गेनिक उगाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल करके आप सूखने के बाद मिट्टी में पानी डाल दें। तो दोस्तों और भी कुछ सवाल हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैनल पर विजिट करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें 8 दिन का वेट लगता है, जैसे कि जब से मैंने लगाया और जब से मैंने निराई गुड़ाई की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।